अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत 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 रिक्वेस्ट की है। आई मीन दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ हिजाब ट्यूटोरियल्स। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ दैट आई एम नॉट अ हिजाबी। आई जस्ट टेक हिजाब ऑन सोशल मीडिया और मुझे अच्छा लगता है हिजाब। मुझे अपने आप को लेबल करना नहीं पसंद बिकॉज आई फील लाइक आई डोंट डू हिजाब मतलब ऑन अ डेली बेसिस, और वैसे मैं नहीं करती तो इट्स लाइक यू नो मुझे सही नहीं लगता अपने आप को इस तरह से लेबल करना, जबकि मैं इस चीज़ को सही तरह से नहीं ले पा रही। आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग विद इट, क्योंकि हिजाब ट्यूटोरियल्स बनाने के बाद बहुत सारे जजमेंटल लोग फॉलो कर लेते हैं, सॉरी टू से, बट उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं मेरे ऊपर। तो मैं टर्बन भी लेती हूँ, मैं हिजाब भी लेती हूँ, मैं स्कार्फ़ भी लेती हूँ, मैं दुपट्टा भी लेती हूँ, मेरे बाल भी दिखते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो से पहले ये चीज़ क्लियर आउट कर दी। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हिजाब ट्यूटोरियल्स हैं, मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सिखाती रहती हूँ, बहुत सारा कंटेंट है। आई एम नॉट जस्ट यू नो मेकअप इन्फ्लुएंसर, आई मेक फैशन वीडियोस एज़ वेल, आई मेक एंटरटेनमेंट वीडियोस एज़ वेल। सो मुझे वहाँ फॉलो कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मैं जो स्कार्फ लेती हूँ उसके अंदर एक वॉल्यूम आता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, और 5 बेसिक फेवरेट माय फेवरेट हिजाब ट्यूटोरियल्स। टर्बन के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन डिटेल वीडियो मैं किसी और वीडियो में बनाऊँगी, दोबारा बना दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं जो मुझे लगता है मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो फिर लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने कहा दोबारा एक वीडियो बना दूँगी। इस वीडियो में मैं आपको ये वॉल्यूम के बारे में बताऊँगी और किस तरह से लेते हैं वो मटेरियल। अच्छा, जो मेरा मटेरियल है वो कुछ इस तरह से क्रिंकल्ड टाइप का होता है। इससे क्या होता है, इससे हिजाब जो है स्लिप नहीं करता। अगर आप इसको अंडर वॉल्यूम के बता रही हूँ, ये तो खैर इससे अंडर वॉल्यूम ही बनाया हुआ है मैंने, कोई हिजाब नहीं बनाया हुआ ये। सो ये मैं इसलिए बनाती हूँ, इससे क्या होता है मेरा जो स्कार्फ अगर मैं ले रही होती हूँ तो वो जो है फिसलता नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो है ना मेरा माथा थोड़ा सा ऐसा है कि अगर मैं ये ना लूँ ना तो बहुत अजीब लगता है मेरे ऊपर, तो आई फील लाइक कि मैं जब तक ये ना करती हूँ ना तो मेरे पर हिजाब सूट नहीं करता है। सो इसलिए जो है मैं ये कर लेती हूँ। और बाकी यह है कि मुझे, मैं हिजाब ख़ुद कभी भी नहीं ख़रीदे, स्कार्फ कभी भी नहीं ख़रीदे, मुझे पीआर पैकेजेस आ जाते हैं तो वही वाले यूज़ कर रही होती हूँ, और इतने सारे कि मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मुझे याद नहीं रहता। लेकिन हिजाब शॉप्स, स्कार्फ शॉप्स, अबाया शॉप्स इतनी सारी हैं और वहाँ से आपको स्कार्फ आराम से मिल सकते हैं। स्कार्फ की पिंस भी आती हैं, वो भी मिलेंगी आपको वहाँ से, निकाब, अबाया, हिजाब, हर तरह का मटेरियल मिलता है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ यही वाला मटेरियल यूज़ करती हूँ, मैं हर तरह का मटेरियल यूज़ करती हूँ, और हर अलग अलग मटेरियल के ऊपर हिजाब का जो स्टाइल जो मैं आपको बता रही हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट लगता है। जैसे मैं अगर ये वाला स्कार्फ लेती हूँ, अगर मैं यही चीज़ जॉर्जेट में लूँ तो वो डिफरेंट लगेगा, यही चीज़ मैं जर्सी में लूँ डिफरेंट लगेगा, यही चीज़ कॉटन में लूँ डिफरेंट लगेगा, इस कपड़े में लूँ डिफरेंट लगेगा, लीलन में लूँ डिफरेंट लगेगा, लेकिन स्टाइल एक ही होता है। तो मटेरियल का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये होता है जो अंडर वॉल्यूम, जो अंदर वाला जो कपड़ा होता है, आप हिजाब कैप ले रहे हो तो हिजाब कैप्स भी वैसे हिजाब की शॉप्स पर मिल जाती हैं, उनका कपड़ा जो है स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग करते ही इसलिए ताकि हिजाब जो है स्लिप ना हो, आपके बाल अगर खुल रहे हैं तो आपको तंग ना करें इसी वजह से। अच्छा, ये क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, ये तो मैंने ऊपर से एक अलग से टाई किया हुआ था, ये मैंने ऐसा दुपट्टा लिया, ठीक है, ब्लैक कलर का ये जो मैंने अभी यहाँ बांधा हुआ है, इसको सिंपली क्या करती हूँ, इसको हाफ़ किया, ठीक है ना, हाफ़ किया और हाफ़ का भी हाफ़ और कर दिया, ये करके मैं इसके ऊपर दोबारा आपको करके दिखा रही हूँ, ये किया, मतलब ये तो मैं अभी उतार नहीं सकती ना, इसलिए ये किया और फिर इसको क्रॉस किया, बिल्कुल दोनों मतलब एक ही है, बैलेंस है, ठीक है, एक को साइड से ऐसे पकड़ा और यहाँ रख डाल दिया, दूसरे को साइड से पकड़ा, इसके पीछे डाल दिया और यहाँ से इसको टक इन कर दिया, दैट्स इट।
ये मेरा डबल डबल बन गया है अभी तो खैर, लेकिन ये ऐसे ही होता है, बहुत इजी है। इससे क्या होता है कि जो है ना स्लिप नहीं होता, बाल भी एक जगह सेट रहते हैं। चले मैं अभी उतार देती हूँ और आपको हिजाब का स्टाइल सिखाती हूँ। मैंने जो है मरून उतार दिया है, ब्लैक पहन लिया है, अब मैं हिजाब कैप पहनूंगी। इसमें ना दो तरह की कैप्स आती हैं, एक ये वाली कैप होती है, इसको आप इस तरह से पहन लो, एक ऐसी कैप भी आती है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप ये वाली ले लो। इसमें क्या होता है, आप इस तरह से उसको पहनते हो और आप पीछे से उसको बांध लेते हो, सही है इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको इस तरह से पहनना होता है। दोनों कंफर्टेबल होती हैं, मैं दोनों अपने मूड के हिसाब से यूज़ कर लेती हूँ, जो सामने होती है पहन लेती हूँ। इस तरह से मैंने पहन ली। इंस्टाग्राम पे बहुत पेजेस हैं जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। देखिए कितना क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है और वॉल्यूम भी आ गया है। अब जो है मैं अपना हिजाब करूँगी। हाँ, मैं बता रही थी कि पेजेस से भी मिल जाती हैं ऑनलाइन, और आपको जो है किसी भी अबाया शॉप या हिजाब शॉप पे से मिल जाएगी, लोकली भी मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है ब्रांड का लें, एक ही चीज़ होती है। सबसे पहले जो है, जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है जो बहुत सारे लोगों को पसंद है, मैं जो हूँ इसको जो है, जैसे मैंने इसको हाफ़ किया हुआ है। अब इसका कपड़ा जो है ना कुछ इस तरह का है, क्रिंकल्ड टाइप का है, सही क्रश्ड कहलाता है शायद ये, सही है। अब मैंने इसको यहाँ किया और थोड़ी सी इसमें है जगह, सही छोड़ दी। इसको मैंने ऐसे किया और यहाँ मैंने इसको पिन कर लेना है। अच्छा, हिजाब की एक ऐसी पिन्स भी आती हैं, ये आपको हिजाब किसी भी शॉप से मिल जाएगी। इससे क्या होता है, बहुत सिक्योर हो जाता है, खुलने का डर नहीं होता। और क्या होता है कि स्कार्फ़ में कभी कभी ना पिन्स घुस जाती हैं और फिर निकलती नहीं है, तो ख़राब भी हो जाता है। इससे ये होता है कि ख़राब नहीं होती। तो इसको मैंने यहाँ पिन किया, इट्स सो हॉट, मैंने पंखा भी बंद किया हुआ है, सही है। और फिर इसकी थोड़ी सी छोंछ निकाल ली। अब क्या करूँगी, छोटा वाला पार्ट है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी और इसको पीछे की तरफ कर लूँगी, ताकि ये हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे। अगर आप चाहते हैं तो उसको यहाँ से पिन भी कर सकते हैं, मैं नहीं करती क्योंकि वो उसमें टके नहीं हो जाता। अब ये मैंने पकड़ा टाइटली, उसको इस तरह से ऊपर ले जा रही हूँ मैं, ये देखें। बस आगे वाले पार्ट को देख रही हूँ, पीछे वाले पार्ट को तो देख ही नहीं रही। ये किया, इसको यहाँ से पकड़ा, ये पिंस पकड़ी और यहाँ मैंने इसको पिन कर दिया है हिजाब पिन की मदद से, ये देख, सही। अब ये वाले सारे जो हैं पीछे से पीछे कर लें, आगे से आगे कर लें। अगर आपको ज़्यादा बड़ा कपड़ा चाहिए तो बड़ा कपड़ा ले लें और इसको हाफ ना करें। इस तरह ना दुपट्टा भी लेते हैं तो उनको हिजाब जो है नीचे नहीं चाहिए होता, ऊपर ऊपर की तरफ चाहिए होता है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये वाला एंड जो है मैं आगे रखना पसंद करती हूँ, और ये पीछे से आपने सही किया। ये जो है पहला स्टाइल हमारा कंप्लीट। बहुत इजी होता है ये, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को मुश्किल लगता है ये। ये देखें कंप्लीट हो गया। जो जॉर्जेट होता है ना, और जो जैसे वो वाला फिसलने वाले कपड़े, क्योंकि मुझे कपड़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो बड़े अच्छे होते हैं, इनकी यहाँ चोंच भी बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा है, ये जो है फिर फिसलता नहीं है। चले अब दूसरे स्टाइल की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टाइल में भी ये है कि एक पार्ट छोटा है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या करना है, दूसरे पार्ट को आगे रखा है। छोटा वाला पार्ट पीछे से जो जूड़ा बनाया है ना हमने, उसको यहाँ हमने रैप कर देना है। आप पिन भी कर सकते हो, सही है। ये मैंने रैप कर दिया तो ये जो है पीछे चला गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हमने इस तरह से, आप आगे इस तरह भी लेके जा सकते हो, मतलब ये किया और पीछे को पहले कवर कर लिया, आगे का छोड़ते हैं, पीछे कवर किया ऐसे, सही है। अब फिर इसको सही कर लें आगे वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट आगे लिया ही मैं, ये देखें, ये बहुत इजी, बहुत खूबसूरत स्टाइल है ये भी।
इसमें गर्मी भी नहीं लगती, अच्छी बात ही है। आप यहाँ से उसको पिन भी कर लें ताकि बार बार जो है ना ये आपको तंग ना करे। ये अंदर की तरफ आपने पिन कर लिया, सही है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको वापस लेकर आओ, जो ये वाला पार्ट नीचे वाला, पहले हम लोग ये ऊपर लेके गए थे ना, अब ये वाला लेके जाते हैं। ये वाला हम ऊपर लेके गए, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। पीछे को पूरा कवर किया, आगे लेकर आए इस तरह से, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है क्योंकि यहाँ बल आ जाता है जी। आपने ये करना है कि यही दोबारा छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, इसको पीछे लेके गए दोनों को, और जैसे बाल को पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं ना, इनको यहाँ से साइड से पकड़ा पीछे करके, यहाँ इनको पिन कर देना एक दूसरे के साथ पीछे ऐसे करके, ये मैंने यहाँ पिन कर दिया, सही है। और फिर दोनों पार्ट्स को आगे लिया है लाइक दिस। इस पार्ट में आप, इस वाले स्टाइल में आप इयररिंग्स भी पहन सकते हो। ये दोनों पार्ट आगे आ गए, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे करके आगे के पार्ट को अपने सही करना है। कैसे सही करना है, इसको ऐसे करें और यहाँ दो पिंस लगा लें, जैसे ये देखें ना, इसकी बहुत प्यारी सी ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ मैं इसको कर लिया पिन से सिक्योर, अब यह लेगा नहीं। अब जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम ऐसे पीछे से लेकर लपेटते हुए यहाँ ले आएंगे इस तरह से। इसमें अगर आप इयररिंग्स पहनेंगे तो दिखेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। अब दूसरे स्टाइल पे जाते हैं। वाला जो स्टाइल है वो बेसिकली बहुत इजी है, और ये जो है मैं यूजुअली जब फॉरन कहीं जाना होता है तो करती हूँ। आपने क्या करना है, इसे इस हिजाब को कान के पीछे लेके जाना है ताकि ये बार बार आगे ना आए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि ये आपके फेस के साथ बैलेंस रहता है, बहुत आगे भी नहीं आता, बहुत पीछे भी नहीं जाता, सही। इस तरह से आपने कर लेना है, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको आपने राउंड एंड राउंड करके यहाँ पर लेकर आना है, और फिर आपने अपने हिसाब से इसको सही कर दें कि आपने किस तरह का स्टाइल चाहिए आपको। यहाँ आप पिन से सिक्योर कर दें, एंड दैट्स रियली वेरी इजी। सो दिस वाज आवर वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। आप लोगों को अच्छा लगा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी जो हिजाब से रिलेटेड होगी उसमें मैं ट्यूटोरियल टर्बन्स का भी दे दूँ, और बाकी आप लोग के कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ लें तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूँगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।